रमजान में वैसे ना रौनक लगी रहती है रोड पे, हर जगह पे। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इस वक्त हंसते मुस्कुराते हुए वीडियो देख रहे होंगे। तो आज है 28 मार्च 2023 और अल्हम्दुलिल्लाह से छठा रोज़ा आज कंप्लीट हो जाएगा, 6 रोज़े कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी हम लोग अभी आए हुए हैं अपनी कार वॉश करवाने के लिए, मैं वहीं पे बैठा हुआ हूँ। तो अभी बस हमारी गाड़ी धुलना शुरू हो जाएगी और कुछ मेहमान वगैरह आने वाले हैं आज घर, उसके लिए कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। तो ऐसे ही साथ रहना, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। होने लगी है धुलाई शुरू हम लोगों की। गाड़ी वैसे काफ़ी गंदी हो गई थी, काफ़ी अरसे से नहीं धुली। एसी लो पे चलाया हुआ है लेकिन ठंड लगने लग गई है, क्योंकि एक तो हम लोगों ने गाड़ी छांव में खड़ी कर दी है और दूसरा ऊपर से पानी फेंक रहे हैं भाईजान। वैसे पहली बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी धुलवा रहा हूँ, नहीं तो मैं बाहर निकल जाता हूँ गाड़ी से। आज लेकिन रोजा है तो मैंने बोला चलो गाड़ी में ही बैठ जाते हैं एसी ऑन करके। ये देखो अब हो रही है झाग की बरसात हमारी गाड़ी में, अब पूरी झाग ही झाग हो जाएगी। गाड़ी और ठंडी होती जा रही है, वैसे ये कुछ अलग ही सीन है, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। ऐसे लग रहा है जिस तरह किसी जगह पर ना कैद कर रहे हो, लेकिन खुशबू अच्छी आ रही है। तो हमारी गाड़ी चारों तरफ से हो चुकी है बंद, मतलब कुछ दिख नहीं रहा बाहर। ये हल्के हल्के सुराख हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो बादल नहीं होते, झाग है वैसे। अभी इसको धोया जाएगा, प्रेशर वाला पानी इस पे मारेंगे तो पूरा धुल जाएगा, फिर गाड़ी हमारी इंशाल्लाह चमकने लगेगी। अंदर से भी पूरी गंदी हुई है, अंदर से फिर वो बाद में सफाई करेंगे। सफाई हो रही है। इतने अरसे बाद गाड़ी धुलवा रहा हूँ कि आज अपनी गाड़ी देख के मुझे खुद ही मोहब्बत हो जानी है अपनी गाड़ी से। वैसे मोहब्बत तो है मुझे अपनी गाड़ी से अल्हम्दुलिल्लाह।
झाग गिरती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता नीचे। कैसे नीचे जा रही है? आराम आराम से। अब प्रेशर मार के दोबारा से हमारी गाड़ी को साफ किया जाएगा। अब देखते हैं कि इस बार प्रेशर कैसा आता है। अब हम लोगों को जाना है उस साइड पे, वहाँ पे खड़ी करेंगे गाड़ी ताकि वो लोग अंदर से पूरी साफ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी साफ हो गई है, बस बाकी अंदर से सफाई होनी बाकी है। इधर आप लोग देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ साफ हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी रेडी हो गई है, बस टायरों को थोड़ा सा वो चमकीला पानी लगा के तो निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पूरी साफ हो गई है और ये हम लोगों ने ले ली है छोटी सी खुशबू ताकि गाड़ी में खुशबू आए। गाड़ी जब धुल जाती है ना तो चलाने की अलग ही फीलिंग आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह अब बहुत सुकून मिल रहा है। खैर घर जाते हैं, रेडी शेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। Later. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रेडी हो गए हैं, घर भी सारा रेडी हो गया है। बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और थोड़ी खुशबू वगैरह लगाते हैं ताकि मेहमान आए तो उन्हें अच्छी फीलिंग आए। बाकी अफ्तारी भी ऑलमोस्ट रेडी है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो साथ रहना, अफ्तारी करके जाना, ठीक है ना? बढ़ाती है अल्लाह हाने निर्मते है ये मग़फ़िरत और रहमत कमा नहीं और किसी माँ की यूँ अजमते नहीं और किसी माँ की यूँ अजमते अचानक मुअत्तर फिजा हो गई मुखालिफ हवा दिल रुबा हो गई लगा यूं के राजी खुदा हो गया करम की कुछ ऐसी अता हो गई करम की कुछ ऐसी अता हो गई रमदान 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 अलग है तरावी रोजों की शान मजा सहरी अफ्तारी का कब कहाँ जुदा शान है लैलतुल क़द्र की कि नाज़िल हुआ जिसमें सारा कुरान कि नाज़िल हुआ जिसमें सारा कुरान रमदान 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 हो क्यों रब की रहमत से मायूस हम खजाने हैं उसके भला कोई कम
दिया उसने काफिर को भी बेबहा, हमें भी वो देगा अगर आँख नम, हमें भी वो देगा अगर आँख नम। रमदान 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 रमदान। तो सीन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था, मतलब मैनेज। मेहमान लेकिन थोड़े लेट हो गए थे, मतलब रोज़ा खुल गया था उसके आधे घंटे बाद बेचारे पहुँचे, क्योंकि तैयारी शैयारी में टाइम लग गया उन्हें, क्योंकि लेडीज़ भी साथ थी। लेडीज़ के तैयार होने में आपको पता है कितना टाइम लगता है, और रमज़ान में रोज़े के साथ मेकअप करना कोई आसान बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना बहुत पसंद आया, और मतलब अच्छी गैदरिंग होगी फैमिली की। और फिर मेरा ड्यूटी टाइम हो रहा था, तो सबको खुदा हाफिज़ कह के मैं ऑफिस आ गया। तो यही था आज का सीन, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ओवरऑल वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। बाकी पसंद आई है तो लाइक करो, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। यार क्या कर रहे हो, कल अफ्तारी साथ में करेंगे, आज सब्सक्राइब कर दो। बाकी अपना बहुत ख्याल रखो, दुआ याद रखो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।